रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से भाई मैं लाइव हूं आपके साथ और आपको दे दूंगा एक अपडेट सऊदी अरब से। अपडेट भाई देने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको यकीनन इसी बात से वीडियो का अंदाजा हो जाएगा। बात यह है भाई, एक दफा मैं मक्का अल मुकर्रमा में मौजूद था, यानी के हरम के सहन में। तो वहां से मैं एक तरफ से गुजर रहा था, तो आप सब भाइयों को पता है जो यहाँ पर मौजूद हैं कि वहां पर मौजूद जो शुरते होते हैं ना मक्का के अंदर, उनकी जुबान पर आम लफ्ज होते हैं हाजी यल्ला, हाजी रो, हाजी तरीक, तरीक हाजी। तो भाई वो ना छुटता है, खड़ा हुआ था पाकिस्तानी औरत के पास। तो वो औरत थी ना पाकिस्तानी, जो वो गालबन सराइकी ही थी, तो वो उसके पास खड़ा हुआ था और उसे बोल रहा था हाजी त्रिक त्रिक त्रिक, भी इधर से उठो, ये रास्ता है। आप सब भाइयों को पता है ये ज्यादा देर कहीं भी बैठने नहीं देते हैं आवाम को, उनको बोलते हैं उठो हरकत करो, यहाँ से आगे पीछे हिलो। अगर आदमी जाहरी सी बात है, अगर इधर मजमा लगाकर कोई बैठ जाएंगे 5-7-10 अफराद इकट्ठे होकर, तो फिर रास्ता बंद होता है। तो भाई वो उसे भी बोल रहा था कि इधर से उठो, तुम आगे पीछे जाओ कहीं। तो वो औरत जो है ना, वो आगे से ना, मैं आपको पंजाबी में बताता हूँ, वो आगे से ना उसकी तरफ ऐसे देखे जा रही है, भी उसे कुछ चीज की समझ ही नहीं आ रही है वो क्या बोल रहा क्या। जब उसे उसने इशारे से कुछ समझाया उसको समझ बुझाई ना, तो आगे से उसको बोलती है परा जा, मैं कहीं नहीं उठना, मैंने इधर से हिसाब लगाया कि ये सराइकी ही लगती है मुझे, तो वो अच्छा या पंजाबी सी, ये सराइकी सी, ये बात छोड़ो यार आप। तो वो ना मैंने देखा कि इसे, इस बेचारी को तो कुछ समझ ही नहीं आई है, तो फिर वो छुटते ने खैर उसको समझाया समझाया वो उठ गई, बाद में ये क्या माजरा था छोड़ो। अच्छा बात आपको मैं ये बताने लगा हूं कि अगर आपने पिछले एक साल के अंदर भाई मक्का का विजिट किया है ना, तो आपने एक बात गौर की होगी जो कि मैंने भाई नोट की थी काफी देर पहले, कि मक्का के अंदर अभी सऊदी लड़कियों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। कौन सी सऊदी लड़की है? उन्होंने भाई एक खास किस्म की अपनी वर्दी और खास किस्म की ऊपर जैकेट पहनी होती है, पहले बहुत कम तादाद में थी, अभी काफी तादाद बढ़ा दी गई है उनकी, जो कि मक्का के सेन में ही घूमती हैं। वहां पर हमारी औरतें जो यहां पर उमरा वगैरह या हज वगैरह के लिए आती हैं, उनकी देखभाल के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, उनको भाई चेकिंग के लिए उनकी। तो अभी सऊदी भाई गवर्नमेंट ने, जैसा कि आप सब को पता है, पैसे दौरियात छुट्टा पुलिस अस्करी वगैरह इनकी बहुत सी पुलिस लाइनें थी, अभी उसमें एक और इजाफा कर दिया है, जो कि आपको तस्वीर में दिखा भी रहा हूं कि सऊदी लड़कियां भी अभी शुरता में दाखिल हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा अमल लगा इनका ये, अभी सऊदी लड़कियां औरतें भी भाई पुलिस वाली वर्दी पहनकर औरतों के लिए मखसूस की गई हैं, और खासकर ये बनाई गई हैं हज के लिए। हज पर मेरी जितनी भी बहनें माएं गई हैं इस दफा, उनकी देखभाल के लिए ये भाई पुलिस बनाई गई है सऊदी लड़कियों की। पहले हालांकि मैंने जैसा कि आपको बोला है, मैंने मक्का में देखी थी, लेकिन वो एक वर्दी थी सिंपल सी बस, और किसी किस्म की कोई सरकारी वर्दी नहीं थी वो। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वर्दी का तो माशाल्लाह बहुत रोब है, तो भाई इन्हें ये पहनाई गई है, और सऊदी पुलिस लाइन में एक और पुलिस लाइन का इजाफा किया गया है, खासकर हाजियों की देखभाल के लिए, जो मेरी माएं बहने हज के लिए उमरा के लिए आती हैं, उनकी देखभाल के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, उनकी भाई किसी किस्म की, जाहिर सी बात है अगर इनको किसी को और पर किसी भी किस्म का कोई शक वगैरह होगा, तो फिर उसकी ये तलाशी वगैरह, उसकी भाई पूरी से चेकिंग वगैरह भी ये करेंगी औरतें, जो जाहिर बात है औरत है तो औरत ही वहां पर चलेगी। हालांकि पहले भी औरतें करती थी, लेकिन वो भाई मखसूस एक आम बोले मुबैस वगैरह टाइप या CID टाइप होती थी, लेकिन अब भी भाई खुलकर ये सामने अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत इनको ले आई है, जो कि मुझे काफी अच्छा अमल लगा है, क्योंकि औरतों की रहनुमाई के लिए भाई ऐसा एक अमल करना बहुत जरूरी था। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अगर आपको भाई किसी भी न्यूज के मुतालिक सऊदी अरब से कुछ जानना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि आपको उस वीडियो के मुतालिक भाई आगाही दे सकूं। अल्लाह हाफिज।